हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव रिव्यू। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी की है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल क्रिएट मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं फिल्मोरा 11, जो कि एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जो ये वीडियोस हैं वो सिर्फ व्यूअर्स देखा करते थे, बट अभी क्या हो रहा है, क्रिएटर्स देखते हैं ये वीडियो। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि यूट्यूब इटसेल्फ एक ऐसा सर्च इंजन बन गया है। यहाँ आप कुछ भी सर्च करके सीख सकते हैं एंड अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो एडिटिंग प्रोफेशन में है उन्होंने कभी ना कभी तो इस सॉफ्टवेयर को डेफिनेटली यूज किया होगा। तो आजकल जब हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है और फ्रीलांस काम करना चाहता है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, व्लॉग एडिटिंग हो, या यूट्यूब वीडियो एडिटिंग हो, या ऐसा कुछ भी, आपको इस सॉफ्टवेयर से बहुत हेल्प होने वाली है। तो गाइज, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। आपसे कुछ ऐसी प्रो टिप्स शेयर करूंगा कि एज अ बिगिनर आप घर बैठे बैठे वीडियो एडिटिंग सीख जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट जरूर है, बट उस टैलेंट को अच्छे से प्रेजेंट करना भी एक स्किल है। तो आज हम वो ही स्किल सीखने वाले हैं इस वीडियो से। तो चलिए, अब मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ और मैं आपको फिल्मोरा सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलता है। इसमें सबसे पहले ऊपर आ गया है यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो। इसका मतलब है कि आप वीडियो कौन सी बनाना चाहते हैं, YouTube के लिए लाइक वाइड स्क्रीन या Instagram के लिए, तो आप वो एस्पेक्ट रेशो सिलेक्ट करके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब बातें मैं इन डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार एज अ बिगिनर हर चीज को अच्छे से समझ लो। फिल्मोरा 11 में जो अपडेट हैं वो बहुत ऑसम हैं, उनके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इंस्टेंट मोड है, सेकंड है ऑटो रीफ्रेम, और साथ में है स्क्रीन रिकॉर्डर। तो मैं बता दूं, ये वीडियो भी मैं फिल्मोरा से ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके शूट कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं सारी वीडियो क्रिएट स्टूडियो, एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मैं उससे कर रहा था, बट वो काफी स्लो है और बेसिकली वो सॉफ्टवेयर सिर्फ डूडल के लिए है। तो जिनको नहीं पता डूडल क्या होता है, लेट मी टेल यू कि आपने वो पेन से लिखने वाली वीडियो देखी होगी या एनिमेटेड वीडियो जिसमें कार्टून्स एंड ऑल होते हैं, वो सॉफ्टवेयर बेसिकली उसके लिए है। आप मेरी वीडियो हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं, स्टार्टिंग की सारी वीडियो क्रिएट स्टूडियो सॉफ्टवेयर से ही बनाई है मैंने। एनीवेज, आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी तरह इफ आप कुछ सीखना चाहते हो, वो भी इन डिटेल, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। एंड आई कैन गारंटी यू कि आप रिग्रेट नहीं करोगे ये वीडियो देखने के बाद, बल्कि कमेंट करके मुझे थैंक्स बोलने जरूर आओगे। तो चलिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप एक फ्रेश प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्योंकि मैं ये वीडियो यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने एस्पेक्ट रेशो वाइड स्क्रीन यानी 16:9 चूज करी है। तो ये जो ब्लैक एरिया है, ब्लैक स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट शो होगा, सो आप देख के एडिट कर पाओगे। चलो सबसे पहले मैं कुछ मीडिया फाइल्स ऐड कर लेता हूँ एंड वन बाय वन आपको सिखाता हूँ हर एलिमेंट को यूज करना। मीडिया फाइल्स ऐड करने के लिए आपको इस एरो पे क्लिक करना है एंड अपने लैपटॉप या पीसी की लोकेशन पे क्लिक करके जहाँ भी फाइल्स पड़ी हैं वहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर लेनी है। अब जैसे कि हमने मीडिया फाइल्स ऐड कर ली हैं, तो आई विल शो यू हाउ टू ऐड और एडिट एन ऑडियो फाइल। ऑडियो को ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। एक, आप ऑडियो फाइल पे जो प्लस का साइन बना आ रहा है, अगर उस पे क्लिक कर देंगे तो प्रोजेक्ट में जहाँ पे आपका कर्सर होगा ऑडियो वहाँ ऐड हो जाएगा। या आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं इफ आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए। तो जैसे कि अगर आपने कर्सर को यहाँ रखा और ऑडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो आप देख सकते हैं ऑडियो यहाँ अटैच हो गई एंड उतना स्पेस बीच में से खाली है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इस ऑडियो को स्प्लिट कैसे करना है। जैसे इफ कोई अनवांटेड नॉइज हो ऑडियो में, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले आपने ऑडियो को सिलेक्ट करना है। उससे पहले एक और बात, फिल्मोरा में जो भी ऑडियो फाइल आप अटैच करेंगे वो इसी बार में आएगी, और जो भी वीडियो फाइल आप अटैच करेंगे वो इस बार में आएगी। तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो फाइल अटैच करके उसमें सारी एडिटिंग करके सिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मैं सबसे पहले स्प्लिट करना सिखाता हूँ। जहाँ पे भी आप कर्सर को रखेंगे ऊपर एक सीजर का साइन बना आ रहा है, अगर आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल वहाँ से कट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कट करना चाहते हैं, तो सीजर पे क्लिक किया और कट हो गया। मैं सेपरेट करके भी दिखा देता हूँ आपको। अब मान लीजिए हमें ये इतना पोर्शन नहीं चाहिए, तो आप इतना पोर्शन कट करके डिलीट भी कर सकते हैं एंड अपनी वीडियो को वापस अटैच कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई गलत क्लिप कट हो गया, तो जस्ट कंट्रोल जेड प्रेस करके आप अंडू कर सकते हैं, आपका क्लिप वापस आ जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि दो क्लिप्स के बीच में आप ट्रांजिशन कैसे लगा सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो में चार चांद लग जाएंगे और आपकी वीडियो और सुंदर लगने लगेगी। मान लीजिए आपको इन दो इमेजेस के बीच में ट्रांजिशन लगानी है, तो मैं दिखाता हूँ आप कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ट्रांजिशन वाली टैब पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं कितनी ऑप्शन खुल गई हैं आपके सामने। अब मैं तीनों इमेजेस पे डिफरेंट ट्रांजिशन लगा के और प्ले करके दिखाता हूँ आपको कैसे लग रही है ये वीडियो आफ्टर ट्रांजिशन। तो आप देख पा रहे हैं पहले से काफी बेटर हो गई है ये वीडियो। अब तक आप स्प्लिट करना सीख चुके हैं, कट करना सीख चुके हैं एंड कुछ गलत कट हो गया हो तो उसको अंडू कैसे करना है वो भी सीख लिया है, और सबसे बड़ी बात ट्रांजिशन लगानी भी सीख ली है। अब मैं आपको सिखाता हूँ, इफ आप वीडियो फाइल में से ओनली वीडियो एलिमेंट यूज करना चाहते हो और ऑडियो खुद की लगाना चाहते हो तो वो कैसे होगा। इसके दो ऑप्शन है। फर्स्ट, आप उस वीडियो क्लिप पे राइट क्लिक करके उसमें जो ऑडियो है उसको डिटैच कर सकते हो, और सेकंड ऑप्शन है उस वीडियो को म्यूट कर सकते हो। दोनों ही केसेस में वीडियो की ऑडियो बंद हो जाएगी। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे अटैच कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ ऑडियो टैब है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो काफी ऑप्शन खुल जाएंगी आपके पास। आप किसी भी ऑडियो फाइल पे क्लिक करके उसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं दो बातें बता दूं। फर्स्ट, कि ये जितनी भी ऑडियो फाइल्स हैं सारी की सारी कॉपीराइट्स फ्री हैं। तो इफ आप YouTube वीडियो बना रहे हो तो आपको कॉपीराइट क्लेम की भी कोई टेंशन नहीं होगी। सेकंड, इफ आप ये ऑडियो फाइल जस्ट ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करके ऐड कर लोगे तो ये आपकी मेन ऑडियो फाइल में ही अटैच हो जाएगी, जहां आपकी वॉइस ओवर वाली ऑडियो अटैच है। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ लाइक दिस। तो आपको क्या करना है, आपको ड्रैग करके ऑडियो बार में ड्रॉप करना है, तो आपके वॉइस ओवर के साथ में ये ऑडियो फाइल बैकग्राउंड में अटैच हो जाएगी लाइक दिस। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपनी वीडियो पे टाइटल कैसे अटैच कर सकते हैं, मींस ओपनिंग ऑफ द वीडियो या एंड स्क्रीन ऑफ द वीडियो। ऑडियो के साथ टाइटल की ऑप्शन है, आपको टाइटल पे क्लिक करना है एंड इतनी सारी ऑप्शन में से किसी एक को ऐड करना है। अब आपका टाइटल अटैच हो गया है, आप इस टाइटल को एडिट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डबल क्लिक करना है टाइटल पे, और आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने चैनल का नेम लिख रहा हूँ, आपको अभी रीप्ले करके दिखाता हूँ कि कैसे लग रहा है। तो काफी इजी है इस सॉफ्टवेयर को यूज करना, और काफी टाइम भी बच जाता है आपका। वन लास्ट एलिमेंट इज इफेक्ट्स। आप अपनी वीडियो पे इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, लेट मी शो यू हाउ। तो आप अपने किसी भी क्लिप पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके इफेक्ट्स टैब पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इतनी सारी ऑप्शन खुल जाएंगी आपके सामने, तो आप किसी भी इफेक्ट्स को अटैच कर सकते हो। नाउ यू कैन सी आफ्टर अटैचिंग द इफेक्ट्स कैसे लग रहा है क्लिप। आई होप इतना मोर देन इनफ है एज अ बिगिनर आपको सीखना, एंड आप खुद ट्राई कर सकते हैं इस वीडियो को बार बार प्ले करके रिवाइंड करके इफ आपको कुछ समझ ना आया हो तो। एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन योर कमेंट्स, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं क्लियर कर दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आप फ्री ट्रायल फॉर 3 डेज भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप परचेज भी कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। बट लेट मी टेल यू, इफ आप अभी परचेज करना चाहते हैं तो अभी डिस्काउंट चल रहा है। जब मैंने परचेज किया था तो $69.99 का था ये सॉफ्टवेयर, मींस अराउंड 5,600 इंडियन रुपीज़।
एंड अभी अराउंड 49.99 डॉलर का मिल रहा है, मींस ऑलमोस्ट 4000 इंडियन रुपीस का, सो क्वाइट अ गुड डील एज वेल। तो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय दिस फिल्मोरा 11 सॉफ्टवेयर एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर योर पैशन। That's all my friends for this video. I hope it will really help you to learn editing for your YouTube videos. Start editing and start posting. Don't forget to like, share and subscribe to my channel for more informative video like this. Thank you so much. Thanks for watching till end.